हेलो दोस्तों, गरीब रथ स्टूडेंट अड्डा में आपका स्वागत है। और आज मैं केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर एग्ज़ाम में इससे एक नए क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे वह SSC हो, रेलवे हो, या तो और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो प्लीज़ चेक करें कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त मौजूद हैं? 18 समूह और 7 आवर्त, 18 समूह और 9 आवर्त, 7 समूह और 18 आवर्त, 9 समूह और 18 आवर्त। तो सही आंसर होगा 18 समूह और 7 आवर्त। क्वेश्चन नंबर टू, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम उपधातु क्या है? अर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन। तो सही आंसर होगा बोरोन। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धातु बोरोन है। इसका प्रतीक चिन्ह B है। इसका परमाणु संख्या 5 है। और बोरोन का उपयोग अकार्बनिक ग्रेफाइट, अकार्बनिक बेंजीन तथा बोरिक एसिड बनाने में होता है। बोरिक एसिड का उपयोग एंटीसेप्टिक दवा के निर्माण में होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, सबसे हल्की धातु कौन है? हीलियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लिथियम। तो सही आंसर होगा लिथियम। क्वेश्चन नंबर फोर, सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या वाला तत्व है? सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो सही आंसर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। अगर इनमें से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम की त्रिज्या ज़्यादा है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर फाइव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा है? क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर। तो सही आंसर होगा क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इनमें से कौन हेलोजन ग्रुप का है? मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, क्रिप्टॉन। तो सही आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन एक हेलोजन ग्रुप का है। हेलोजन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लवण उत्पादक। मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है, और सोडियम क्षार धातु है, और क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन आता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएँ किसको अलग करती है? उपधातुओं से धातुओं को, हैलोजन से धातुओं को, अधातुओं से धातुओं को, उपधातुओं से अधातुओं को। तो सही आंसर होगा अधातुओं से धातुओं को। क्वेश्चन नंबर एट, कैलिफोर्निया किसका सदस्य है? एक्टिनाइड श्रेणी का, लैंथेनाइड श्रेणी का, आदर्श गैसों का, हैलोजन का। तो सही आंसर होगा एक्टिनाइड श्रेणी का। जो कैलिफोर्निया है सो एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है, और कैलिफोर्निया की परमाणु संख्या 98 है, और इसका संकेत चिन्ह CF है। यह 6th ट्रांसयूरेनियम तत्व है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया है। और एक्टिनाइड श्रेणी में यानी कि उसमें 89 से लेकर 103 तक सभी परमाणु संख्या वाले आते हैं। अगर लैंथेनाइड्स की बात करें तो लैंथेनाइड्स को भारी मृदा धातु भी कहते हैं, और इसमें 57 से लेकर 71 तक के परमाणु संख्या वाले तत्व आते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से 71 वाले तत्व को क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, हैलोजन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा लैंथेनाइड। और एक्टिनाइड की बात करें तो उसमें 89 से लेकर 103 वाले तत्व को इसमें रखा गया है, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ये सभी एफ ब्लॉक के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर टेन, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? SPDF। तो सही आंसर होगा S। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व S ब्लॉक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? ब्रोमीन, फ्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन। तो सही आंसर होगा आर्गन। आर्गन है सो समूह 17 से संबंधित नहीं है। यह समूह 18 से संबंधित है, और 18 के ग्रुप में
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन आते हैं। और 18वें ग्रुप को हम नोबल गैस या तो अक्रिय गैस भी कहते हैं। और आर्गन का उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। अगर 17th ग्रुप को देखा जाए तो 17th ग्रुप को हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं, और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन ये सभी तत्व आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? सल्फर, सिलिकॉन, हीलियम, फास्फोरस। तो सही आंसर होगा हीलियम। हीलियम का संकेत चिन्ह HE है और इसका परमाणु संख्या 2 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 4.003 है। हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। यह ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा गैस है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा धातु मोम की तरह नरम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। तो सही आंसर होगा सोडियम। इसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम, इसका परमाणु संख्या 11 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है और इसे Na से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती है, स्थिर रहती है, कम हो जाती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो सही आंसर होगा कम हो जाती है, यानी कि हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। ब्रोमीन एक द्रव धातु है और आयोडीन एक ठोस अधातु है। क्वेश्चन नंबर 15, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडेलीव का आवर्त नियम, न्यूटन का नियम, डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो सही आंसर होगा मेंडेलीव का आवर्त नियम। इसने तत्वों को एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा था। क्वेश्चन नंबर 16, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? वर्ग, समूह, इकाई, आवर्त। तो सही आंसर होगा समूह, यानी कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है, यानी कि ग्रुप कहा जाता है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल दो प्रकार की कतारें हैं, यानी कि वर्टिकल को समूह कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को पीरियड कहते हैं, यानी कि आवर्त भी कहते हैं। अब मेंडेलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। मेंडेलीव के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है रुबेडियम, कोबाल्ट, पोटेशियम, हाइड्रोजन। तो सही आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 है। अगर ब्रह्मांड की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व सिर्फ यही है, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन एक एक्टिनाइड नहीं है? थोरियम, टर्बियम, फर्मियल, नोबेलियम। तो सही आंसर होगा टर्बियम। टर्बियम एक एक्टिनाइड नहीं है या लेंथेनाइड्स है। टर्बियम का परमाणु संख्या 65 है और इसे TB से संकेत किया जाता है। एक्टिनाइड में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक वाले तत्व आते हैं और लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक वाले सभी तत्व आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? यह अक्रिय तत्व है, ये क्षारीय मृदा तत्व है, ये ऑक्साइड नहीं बनाते, इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सही आंसर होगा इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 20, जब मेंडेलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? 63, 66, 64, 65। तो सही आंसर होगा 63। अगर वर्तमान की बात करें तो कुल 118 ज्ञात तत्व हैं, उनमें से 98 प्राकृतिक हैं और 20 मैनमेड यानी कि कृत्रिम हैं, और 20 अधातु है, 7 उपधातु है और 91
धातु है। अगर सबसे हल्का तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन है, और सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम है, और सबसे भारी धातु तत्व ओस्मियम है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।